नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। आखिरकार चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर हुई वोटिंग की मतगणना जो है वो शनिवार तड़के तक पूरी हो गई। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने से हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राज्यसभा की दो सीटों पर हुई वोटिंग, दो सीटों पर थे तीन उम्मीदवार। एक सीट पर बीजेपी के कृष्णलाल पवार जीते, दूसरी सीट पर निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा जीते। कांग्रेस के अजय माकन की हुई हार। राज्यसभा में 90 में से 89 वोट पड़े, एक वोट कैंसिल हुआ, 88 वोट बचे। 100 अंक चाहता है एक अंक, 8800 का तीसरा हिस्सा होता है 2914 अंक, जिसके लिए चाहिए थे 2934 अंक। कृष्ण पवार के 66 वोट बचे तो कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हुए। कार्तिकेय को 66 प्लस 2900 मिलाकर 2966 मिले। कांग्रेस के अजय माकन को 2900 वोट मिले। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवार वरिष्ठ नेता अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी के कृष्णलाल पवार तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा को जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है। सीएम ने आशा जताते हुए कहा कि ये दोनों हरियाणा के मुद्दों को राज्यसभा में बढ़ चढ़ कर उठाएंगे और इस चुनाव में सभी 90 के 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक थे, हैं 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, दो पार्टियों के एक एक एमएलए हैं। तो उसमें दो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, तीन ने नामांकन किया था, तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहाँ सदन में उठाने की बात करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस विधायक बीबी बद्रा ने कहा कि कांग्रेस का एक वोट रद्द होने से बाजी पलटी है और सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को चुनाव में जीत मिली है। बीजेपी के कैंडिडेट कृष्णलाल पवार फर्स्ट प्रेफरेंस में जीते हैं और सेकंड प्रेफरेंस के अंदर कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। दोनों का मार्जिन बहुत बड़ी बड़ी थिन मार्जिन है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा पावर जो अलॉट होती है वोट की उसमें सिर्फ 34 का फर्क है। सर, कांग्रेस के कोई वोट रिजेक्ट हुए हैं? एक वोट रिजेक्ट हुआ। किसका वोट रिजेक्ट हुआ ऐसे थोड़ा पता लग सकता है? क्रॉस वोटिंग हुई है सर, कांग्रेस क्रॉस वोटिंग, वो थोड़ा सा काउंटिंग में कंफ्यूजन था एक्चुअली, और कोई बात उसके लिए। हाँ, नहीं, वो थोड़ी सी बैठते हैं ना तो कैलकुलेशन जब करते हैं ना उसमें थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें एक वोट इनवैलिड हुआ था
वो एक्चुअली उसमें टोटल में काउंट हो गया कि 3900 पावर मिली उनको और उसको उसको 2934 पावर मिली है। हाँ कार्तिक पवार के 2966। कांग्रेस नेता अजय माकन की हार के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा, मेरे पास सांप को कुचलने की भी क्षमता है, सांपों के डर से मैं जंगल नहीं छोड़ूंगा। दरअसल बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी जिससे माकन को हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने बयान देते हुए कहा कि मैं अंतरात्मा से वोट देने वालों का धन्यवाद करता हूं। देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा पास नहीं होगा तो नीचे लोग हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के जो वहां पर पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको आंकड़े समझ नहीं आए। मेरे पास ही बैठा था जो व्यक्ति बाहर आया और टिक मार्क जो कर रहा था वोट उनके 29 से 30 पे कर रहा था तो कांग्रेस पार्टी को आंकड़े भी इनके संगठन के लोगों को नहीं आते। मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला क्योंकि उनमें से काफी लोग तो बाहर थे लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में मैं हरियाणा के लिए हरियाणा के लोगों के लिए प्रदेश के लिए युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूँ अच्छा काम करना चाहता हूँ। वैसे मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का दुष्यंत चौटाला जी का जेजेपी का सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भारतीय जनता पार्टी का हर उस व्यक्ति का जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरे 10 दिन के अंदर मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया और मुझे जीत। देखिए मेरी प्राथमिकताएं एजुकेशन पे रहेंगी जॉब्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे रहेगी और स्पोर्ट्स हरियाणा एक एरिया है जिसके ऊपर तो मैं 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहता हूं जिसपे मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने पिछले 15-20 साल में काफ़ी काम किया भी है इस एरिया में और मैं हरियाणा की आवाज़ रखना चाहता हूँ राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की आवाज़ राज्यसभा में उस तरीके से रखी जाती है जिस तरह से रखी जाना चाहिए और हक और हकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आने से पहले अजय माकन को कांग्रेस नेताओं ने बधाई देनी भी शुरू कर दी थी। हरियाणा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से बाकायदा सत्यमेव जयते लिखकर ट्वीट भी कर दिया गया था। पार्टी विधायक भारत भूषण बत्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन्हें बधाई दी थी। आखिर में देर रात जब चुनाव के नतीजे आए तो उसमें अजय माकन चुनाव हार गए और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को विजयी घोषित किया गया। तो वही राज्यसभा में जीत के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने जिस मकसद के साथ कार्तिकेय शर्मा का नामांकन करवाया था उस टारगेट को अचीव किया। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई को लेकर उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई का भी खासा समर्थन रहा। हमें पूरी उम्मीद है कि कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के माध्यम से हरियाणा के मुद्दों को केंद्र के सामने पूरे जोर शोर से उठाएंगे। साथ ही डिप्टी सीएम से कार्तिकेय शर्मा को जीत की बधाई दी। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का भाई दुष्यंत चौटाला जी का और जो एक तिहाई एमएलए ने मुझे वोट दी है 29 वोटें उनका सबसे पहले स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सक्षम समझा और अपना भरोसा जताया मेरे अंदर कि मैं आगे जाकर कुछ हरियाणा के लिए अपने राज्य के लिए अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं उनकी आवाज़ रख सकूं राज्यसभा के अंदर। और मैं जननायक जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो
अजय चौटाला जी का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कामनाएं देता हूँ कि जो कदम हमने उठाया जिसके अंदर कार्तिकेय जी को हमारे सारे विधायकों ने जाकर नॉमिनेशन फाइल करी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे इंडिपेंडेंट एमएलएज ने मिलकर जिस सोच के साथ राज्यसभा के इस चुनाव में लेकर गए थे, हरियाणा की आवाज भी थी और उस चीज को तमाम हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर ने अचीव कर दिखाया है। हमारा जो टारगेट था कि हम 29 पोल्ड वोट्स हमारे पक्ष में। तो वही राज्यसभा में सांसद चुने जाने पर कृष्णलाल पवार सीधे पानीपत लघु सचिवालय में पहुंचे, जहां उन्हें सबसे पहले भीमराव की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं कृष्णलाल पवार मीडिया से बातचीत करते हुए एक तरफ बीजेपी विधायकों का धन्यवाद उन्होंने किया, तो वहीं दूसरी ओर पवार ने कांग्रेस के विधायक पर जुबानी हमला किया। कृष्णलाल पवार ने कहा कि उनके विधायकों को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और बहुत ही सम्मानित हमारे शाह जी का, केंद्रीय नेतृत्व और संगठन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूरे संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के सर्व अनुसूचित जाति समाज के छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजने का काम किया, इसके लिए मैं पार्टी को नमन करता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राज्यसभा के नतीजों पर बोलते हुए कहा कि नव निर्वाचित राज्यसभा सांसदों कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा को जीत की बधाई। साथ ही ओपी धनखड़ ने अपनी अंतरात्मा पर वोट करने के लिए कुलदीप बिश्नोई की प्रशंसा की, साथ ही कहा कि बलराज कुंडू ने वोट न करके अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं श्री कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा जी को राज्यसभा चुनाव की विजय की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी विधायकों का जिन्होंने इनके पक्ष में वोट दिए। मैं कुलदीप बिश्नोई की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अंतरात्मा पर की आवाज पर अपना वोट दिया और बलराज कुंडू ने भी अनुपस्थित रहकर अपनी भूमिका निभाई। सबको साधुवाद और हरियाणा को जनता को भी दोनों राज्यसभा की जीत पर बहुत बहुत बधाई। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस डूबता जहाज है जिसका पतन निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, एक गुट दूसरे गुट को हराने में लगा रहता है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरे पार्टी को जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के अंदर खाने की गुटबाजी ही कांग्रेस का पतन कर देगी। वहीं आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलकर सत्ता पाने का आरोप भी लगाया, साथ ही हरियाणा के निकाय चुनावों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का दावा भी किया। पहले से ही लग रहा था कि कांग्रेस में फूट है, धड़े में है कांग्रेस, एक धड़ा दूसरे को हराने में हमेशा लगा रहता है और वही उन्होंने करके दिखाया। कांग्रेस के ज़्यादा विधायक होते हुए भी कांग्रेस हार गई और निर्दलीय उम्मीदवार भाई कार्तिकेय शर्मा, जिसका समर्थन भाजपा जसपा ने भी किया था, इंडिपेंडेंट ने किया था, वो जीत गए। और हमारे भाजपा के कैंडिडेट भाई कृष्णलाल पवार की जीत में तो किसी को पहले से भी शक नहीं था, लेकिन आज का जो माहौल है
सभी को पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस में हम निर्दलीय उम्मीदवार से आगे थे और इस बात की भी जांच कर रहे हैं जो एक वोट निर्दलीय उम्मीदवार को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था, दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसकी हम जांच करवा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर बोलते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव कांग्रेस के चिन्ह पर जीता है और उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए था। भूपेंद्र हुड्डा जी को और दीपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले 10 दिन में सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव की मैनेजमेंट और चुनाव की तैयारी करी, लिहाजा जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं और हम लोग इस चीज़ को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था रिजेक्टेड होना चाहिए था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे, बावजूद इसके हम उनसे आगे, तो MLAs ने और हरियाणा की जनता ने अपने MLAs के माध्यम से जो विश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर जताया है और हुड्डा साहब यूपी के लीडर हैं, हमारा साथी राज्यसभा के अंदर है, मैं इन सब लोगों को अपने भी सचिव रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे और जिले के मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। सुरजेवाला ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों की आवाज पहुंचाने का मौका दिया। इसी के साथ निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए बीजेपी JJP गठबंधन पर निशाना भी उन्होंने साधा। आभारी हूँ सबसे पहले तो भोलेनाथ जी का, जिनकी कृपा के बगैर इस सृष्टि में कोई एक कदम रख नहीं सकता, एक श्वास ले नहीं सकता। मैं आभारी हूं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का, सोनिया जी का, राहुल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया पार्टी की आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत देश की संसद में बनने का। मैं आपके दर्शकों और पाठकों से भी अपील करूंगा कि चुनिए उसे जिसने करके दिखाया हो, जिनका 8 साल में 0 काम करने का रिकॉर्ड हो, केवल ज़मीनों पर कब्जा करने का हो, उनको चुन के की भूल मत करिए। देखिए आज ही सब्जी मंडी में एक व्यापारी से रंगदारी मांग ली गई। इस शहर की कानून व्यवस्था क्या थी, यहाँ बदमाश आने से डरता था। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अपने कैंडिडेट का समर्थन कर रही हैं, वहीं निर्दलीय कैंडिडेट भी अपने चुनाव चिन्ह के साथ लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में एक शख्स ऐसा भी है जो ऑटो में बैनर और माइक लगाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर आम जनता को पैम्पलेट बांटते हुए नोटा के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहा है। उमाकांत छक्कर के नाम से जाना जाता है, मैं 25 वर्षों से इस शहर के अंदर देश सेवा में लगा हुआ हूं, मैंने 20 साल अखबार भी निकाला था,
20 साल अखबार भी निकाला था हरियाणा जंक्शन के नाम से और अखबार फ्री बांटता था। मेरी सोच है कि देश के अंदर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इस प्रकार की बातें पूर्ण रूप से खत्म हो। आज देश आजाद है तो आजादी वाली बातें। चलिए खबर झज्जर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने झज्जर के छावनी मोहल्ले में युवक के अजले शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बताया कि मृतक युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई है, जिसका नाम मोहित है। मोहित एक दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से आया था और मानसिक रूप से परेशान था। मोहित ने मृतक युवक से एक बीड़ी की मांग की थी, जिस पर दोनों का झगड़ा हो गया, जिसके बाद मोहित ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और मृतक की पहचान करने की प्रयास में लगी है पुलिस। गिरफ्तार हो चुका है मोहित से। जो सीसीटीवी फुटेज थी उसी दिन उसको उसी मोहल्ले से वहां से घर से बरामद किया गया था और घटना के दौरान पाया गया कि जब वो हमने उस पुलिस ने उसको उठाया था तभी वही कपड़े पहना हुआ था जी। और वो एक ही दिन पहले वहाँ से नशा मुक्ति केंद्र से छूट के आया। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में हमें थोड़ा सा लग रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैंने कहा है कि इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं उसके उसकी मानसिक स्थिति का, ताकि इसमें पता चल सके। चलिए खबर झज्जर से है, जहां पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम महिला थाने के कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया। वहीं थाने में आई हुई शिकायतों और चल रहे केसों को समीक्षा भी उन्होंने केसों की, साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए महिला थाने के पूरे रिकॉर्ड की जांच की गई है और जितने केस लंबित हैं इनको भी शीघ्र ही निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि महिला थाने में लंबित पड़े केसों को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्हें हल कर दोषियों को सजा भी दें। मोहित नाम का लड़का गिरफ्तार हो चुका है। मोहित से जो सीसीटीवी फुटेज थी उसी दिन उसको उसी मोहल्ले से वहां से घर से बरामद किया गया था और घटना के दौरान पाया गया कि जब वो हमने उस पुलिस ने उसको उठाया था तभी वही कपड़े पहना हुआ था जी। और वो एक ही दिन पहले वहां से नशा मुक्ति केंद्र से छूट के आया। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में हमें थोड़ा सा लग रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैंने कहा है कि इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं उसके उसकी मानसिक स्थिति का, ताकि इसमें पता चल सके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।